मेरा नाम डॉक्टर फरहाद अली है, मैं कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन हूँ, जिसको हम कहते हैं न्यूरो स्पाइनल सर्जन। और ये महीना वैसे ही कैंसर का चल रहा है, तो कैंसर अवेयरनेस कर रहे हैं, तो मैं अपनी फील्ड के बारे में, दिमाग में जो जितने कैंसर्स होते हैं उनके बारे में कुछ अवेयरनेस देना चाहूँगा कि किस तरह के कैंसर्स होते हैं। कुछ होते हैं जिनको हम बेनाइन कहते हैं, कुछ होते हैं जिनको हम मैलिग्नेंट कहते हैं। दोनों किस्म के हो सकते हैं, कैटेगरीज डिफरेंट हैं। अब डिपेंड करता है कि रसौली जिस जगह पे होती है दिमाग में, उस तरह के साइन सिम्टम देती है, जैसे कि दिमाग के आगे वाले हिस्से में होती है तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अपने आप से बंदा एक एंजाइटी टेंशन में होता है, पेशाब निकल जाना हो। अगर पैराइटल लोब में होगा तो राइट साइड या लेफ्ट साइड, अगर हम राइट साइड पे अगर देखें तो राइट साइड में कपड़े पहनने में दुश्वारी होगी, उल्टा सीधे में, सीधा उल्टे में। उसके अलावा अगर हम देखें कि लेफ्ट साइड पे तो कैलकुलेशन में उनकी राइट लेफ्ट डिसोसिएशन, हम कहें कि सीधा उल्टा, और मतलब ये कहेंगे कि ये वो कहेगा कि जी मैं पूछूंगा उनसे कि ये भाई सीधा आता है, वो कहेगा उल्टा है, ये कहूँगा उल्टा आता है, वो कहेंगे सीधा है। तो इस तरह के साइन सिम्टम होते थे। अगर पीछे वाले हिस्से में होगी तो बिनाई करी जाती है, अगर टेम्पोरल लोब में होगी तो उनके झटके और याददाश्त के मसले मसायल होंगे। पिचूटरी के होंगे तो पिचूटरी के साइन सिम्टम्स होते हैं, समटाइम्स उनको हम कहें कि कभी कुछ लोगों का कद बढ़ जाता है, कुछ लोगों का कद छोटा होता है, या किसी को गर्मी ज़्यादा लगती है, सर्दी ज़्यादा लगती है, भूख ज़्यादा लगती है, कम लगती है, पेशाब निकलता जा रहा है। तो इस तरह के मल्टीपल साइन सिम्टम्स हैं, मैं कम से कम बता रहा हूँ आज आपको। और इसके अलावा अगर पीछे आराम मगज में होगी तो चलने में दुश्वारी होगी, उसको निकलने में दुश्वारी होगी, पहले जैसे बताया मैंने कि चेहरा टेढ़ा हो जाना, बिनाई चली जाना और उसके साथ दो दो दिखाई देना। अगर ये हरा मगज में नीचे वाले कमर के हिस्से में होगी, पीठ की हड्डी में, तो वहाँ पे, या तो अगर ऊपर गर्दन में होगा तो हाथ और पाँव की कमज़ोरी हो जाएगी, अगर गर्दन से नीचे है तो पाँव की कमज़ोर हो जाए, उसके नीचे वाला दर्द कमज़ोर हो जाता है, कभी चलने में दुश्वारी होती है, समटाइम्स तो होता है कि बिल्कुल ही पैरालाइज हो जाता है पेशेंट। तो इस तरह की रसौलियाँ जो हैं वो बेनाइन और मैलिग्नेंट भी हम डिवाइड करते हैं। इनकी डेफिनेटली सर्जरी तब करते हैं जब वो मैस इफेक्ट देती है, साइज़ ज़्यादा हो, एसेसिबल हो लियल, तो हम उनकी सर्जरी करते हैं। उसके बाद फिर डिपेंडिंग ऑन द हिस्टोपैथोलॉजी, उनकी रिपोर्ट क्या आई है, रिपोर्ट के हिसाब से उनकी अगर श्वाएँ बनती हैं या कीमोथेरेपी बनती हैं तो उनकी तरफ भेज देते हैं, अगर नहीं तो हम उनको फॉलो करते हैं। सो अगर इस तरह के साइन सिम्टम आपको आ जाएँ तो आप फ़ौरन अपने करीबी न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन दोनों को दिखाएं, असेसमेंट करवाएं, अपनी रिपोर्टिंग करवाएं, MRI हो, CT स्कैन हो और PET स्कैन हो, बहुत सारी न्यू एडवांस टेक्निक है वो हो, तो आप वो चीज़ें करवाएं, असेसमेंट करवाएं। अगर आपका जो भी इलाज होगा जो आपके हिसाब से होगा इंशाल्लाह ताला वो हो जाएगा, और आप अपनी ज़िंदगी अपनी फैमिली के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ और अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छी गुजार सकते हैं। सो फौरन अपना चेकअप करवाएं, असेसमेंट करवाएं अगर इस तरह के साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, ताकि इस मोदी मत से आपकी जान छूट जाए। बहुत शुक्रिया।